अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में 6 मुख्तलिफ ख्वाबों की अहम ताबीरें अर्ज करने वाला हूँ और ये उमूमी ख्वाब हैं जो लोगों को नज़र भी आते हैं और ऐसे ख्वाबों को देख कर के कई मरतबा इंसान डर भी जाता है और इन ख्वाबों की ताबीर जानना चाहता है। चुनांचे पहला ख्वाब है, ख्वाब में लाश देखना, मैत देखना, कहीं कोई बॉडी लाश वगैरह पड़ी है तो इसकी ताबीर क्या होती है। याद रखें इसकी ताबीर ये है कि अगर किसी जानने पहचानने वाले की लाश और बॉडी आपने कहीं देखी है तो ये ख्वाब अच्छा है और इसकी ताबीर ये है कि ये ख्वाब देखने वाले की खुश नसीबी की अलामत है। ये बहुत खुशकिस्मत और खुश नसीब है और जो खुशकिस्मत और खुश नसीब होता है अल्लाह की जानिब से उस पर खुसूसी नजर करम होती है, उसकी मुश्किलों को अल्लाह आसान कर देता है। और अगर वो लाश और बॉडी किसी अजनबी की है, जानने पहचानने वाले की नहीं है, तो फिर ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी दुख या गम में मुबतला होगा, उसके किसी परेशानी में मुबतला होने की ये ख्वाब अलामत और निशानी है। दूसरा ख्वाब है ख्वाब में लड़ना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो लड़ रहा है तो लड़ने का मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी बीमारी और मर्ज में मुबतला होगा। अगर देखे कि लड़ रहा है और लड़ाई में गालिब आ गए यानी जीत गया तो फिर उस बीमारी से जल्दी सेहत भी पा लेगा जो बीमारी उसको लाहिक होगी। फिर पूरी ताबीर ये है। तीसरा ख्वाब है तालाब देखना। किसी शख्स ने पानी का तालाब देखा ख्वाब में तो उसकी ताबीर ये है कि अगर तालाब का पानी साफ सुथरा है तो ये ख्वाब देखने वाले के खुश नसीब होने की अलामत और निशानी है। और अगर पानी तालाब का साफ नहीं, गदला और गंदा है तो फिर ख्वाब देखने वाले पर बीमारी आने की अलामत और निशानी होता है ये ख्वाब। चौथा ख्वाब है अजान सुनना। किसी शख्स ने ख्वाब में अजान की आवाज सुनी कि उसको अजान की आवाज आ रही है ख्वाब में, तो इसकी चंद ताबीरें हैं। पहली ताबीर तो ये कि ख्वाब देखने वाला परहेजगारी इख्तियार करेगा, तकवा इख्तियार करेगा, गुनाहों को छोड़ेगा। और दूसरी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला नमाजी बनेगा। और तीसरी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला खुशकिस्मत भी होगा और अल्लाह की जानिब से इसको खुसूसी इनायात, फजल और करम से नवाजा जाएगा। पांचवा ख्वाब है ख्वाब में खुद को उड़ता हुआ देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में खुद को उड़ता हुआ देखा तो याद रखें ख्वाब में खुद को उड़ता हुआ देखना ये इज्जत और बुजुर्गी मिलने की अलामत होती है कि ख्वाब देखने वाले को इज्जत और बुजुर्गी मिलेगी। और इसी तरीके पर ख्वाब देखने वाला दौलतमंदों में, साहिब सरवत मालदार अफराद में शामिल होगा। और अगर ख्वाब देखने वाला जिसने अपने आप को उड़ते हुए देखा वो किसी बलाओ किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि जल्दी वह उस परेशानी और मुसीबत से छुटकारा और नजात पाएगा। छठा ख्वाब है तैरते हुए देखना। किसी शख्स ने देखा कि वो तैर रहा है पानी में तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को बीवी खूबसूरत मिलेगी और इसके अलावा भी जिंदगी में उसको खूब खुशियां नसीब होंगी। तो दोस्तों ये हमने आप हजरात की खिदमत में मुख्तलिफ चीज़ों से मुतालिक 6 अहम ख्वाबों की ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपने ख्वाब को लिखें और नाम भी बताएं, फिर फ्राइडे का वेट करें। इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान की जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।